सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। हाँ, उसको खड़ा रहना चाहिए था मेरे लिए। मैं बोलता था यार, मैं और मकबूल ही क्यों हर हफ्ते, एवरी वीक मी एंड मकबूल, नॉट इवन कटारिया दैट मच। मेरा और मकबूल का तो पीछा ऐसा लगा था कि भाई हम लोग इधर कोई ऐसा सर्कल है लाल कलर का और लोग वहाँ पे बंदूक लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने एक वर्ड भी बोला था कि चारों को कभी भी नॉमिनेट कर लो, कभी कितना भी नॉमिनेट कर लो, जाते ही नहीं घर से, जाते ही नहीं घर से। हाँ, तो मुझे आँखी दिखा, मैंने तो नज़र तो लग गई है। जहाँ तक रही बात अरमान की, तो अरमान तो इंसान ही वाहियात था, तो उससे तो मुझे ना रखना था, ना रखना है, ना रखना चाहूँगा मैं कभी ज़िंदगी में। तो बचपन में ना मम्मी पापा ये एग्जांपल देते थे, कहते थे कि बेटा बड़े होके शर्मा जी के बेटे जैसा बनना, शर्मा जी के बेटे जैसा बनना, इनके बाद चलोगे पांडे जी के बेटे को देखो, पांडे जी के बेटे को। सो हियर विद मी एट इंडिया फोरम्स राइट नाउ आई हैव विशाल पांडे। पब्लिक का दिल जीत लिया है, सपोर्ट जीत लिया है, प्यार बटोर लिया है, घर में सबसे अच्छा गेम प्ले कर लिया है, तो हमें तो नहीं लगता कोई मलाल होना चाहिए यार। सही में? क्या लगता है? शिट यार, मतलब इतना क्लोज आके, और मेरे को अपने पे बहुत ऐसा था कि मैं अच्छा कर रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं और आगे, मतलब मैं अपने आप को भी विनर या फिर टॉप टू में देख रहा था। तो और ऐसा नहीं था कि, बट मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है कि मैं ट्रॉफी जीतूँ ना जीतूँ, दिल तो भले जीत लूँ, और बाहर आके पता चला कि थोड़ा बहुत कर लिया, तो इसलिए थोड़ा सा अभी ठीक है, हल्का सा ठीक है, बोझ कम हो रहा है। वेल विशाल, हम सभी जानते हैं घर का वो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, नॉट गोइंग देयर डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो सब लोग ने ये कहा है हमेशा कि विशाल की फ्रेंडशिप उन्होंने अपनी तरफ से जिसके साथ भी करी है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगी है एंड इट वॉज वेरी प्योर, बट इवन आई फील द सेम। बट एक छोटी सी बात है कि जहाँ आपके दोस्त को खड़े रहना चाहिए था, ऑप्शन था, चॉइस थी, पर नहीं खड़ा रहा, इसका कारण क्या लगता है? इसका कारण ये लगता है कि मेरे ख्याल से वो भी प्रेशराइज्ड हो गया रहेगा हर एंगल से। अनिल, एक तो जब अनिल सर जब बात करते थे तो काफ़ी प्रेशर फील होता था, बिकॉज अलग प्रेशर फील होता था कि नहीं बोलूँ नहीं बोलूँ। तो उसने बोला, उसको और उसको चीज़ें याद भी नहीं थी कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था, तो उसने हामी में हामी भर दी, वो उसकी गलती थी। और बट जैसे मैंने बोला कि हाँ, उसको खड़ा रहना चाहिए था मेरे लिए, बट अगेन आई वुड से कि एक दो गलत चीज़ों की वजह से मैं अपने दोस्त की 10 अच्छी चीज़ें नहीं भूल सकता, तो ऑफ कोर्स ही विल बी माय वेरी गुड फ्रेंड अभी भी। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते विशाल? मैं खड़ा रहता हूँ, मैं बोलता नहीं, मैं जानता हूँ उसके उसके ऐसे बिल्कुल इंटेंशंस नहीं है। वेल, हमने कटारिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बता दिया ये सब चीज़ें, ऑफ कोर्स जो कट हो गई, बट ओके। आई वांट टू आस्क यू, बाहर पायल मलिक और चंद्रिका जब बाहर है तो उन्होंने ये कहा कि बिग बॉस इज़ बायस्ड सना मकबूल की तरफ, अरमान के कपड़े घर नहीं आ रहे, पर जब जहाँ हमने देखा है हर वीकेंड का वार सना मकबूल को डांट पड़ी है, हर वीकेंड का वार वी हैव सीन रणवीर शोरे, अरमान मलिक गेटिंग द चांस टू स्पीक, पर आप लोग जब हाथ खड़ा करते तो आपको मौका नहीं मिलता था। डू यू थिंक देर इज़ सम बायस? I don't know, I felt somewhere, yeah, हल्का सा I felt, मेरे eviction पे I felt, और बीच में भी, because ऐसा था कि मैं बोलता था यार, मैं और मकबूल ही क्यों हर हफ्ते, एवरी वीक मी एंड मकबूल, नॉट इवन कटारिया दैट मच। मेरा और मकबूल का तो पीछा ऐसा लगा था कि भाई हम लोग इधर कोई ऐसा सर्कल है लाल कलर का और लोग वहाँ पे बंदूक लेके बैठे हुए हैं, तो हम लोग, और कहीं ना वो आपको तोड़ता है इंसान की, कि मैं और लिटरली हम लोग की फटने लगी थी वीकेंड के बाहर से, कि हम लोग उठा रहे तो सर बोलने नहीं देते थे। तो अब उनको, अब इतने बड़े फादरली फिगर, इतने, तो अब उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, सीधी सी बात है आपके अंदर से ही नहीं निकलेगा कि नहीं सर बोलने दो, प्लीज़ बोलने दो। तो हाँ, वो हुआ है, मैंने हाथ भी खड़ा किया तो उन्होंने मुझे बोलने से मना कर दिए, मुझे एक अपनी टॉपिक रखनी थी, बट ठीक है, क्या करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा विशाल, आपने हर कंटेस्टेंट से दोस्ती बनाने की कोशिश करी, रणवीर जी के साथ, अरमान जी के साथ, और स्पेशली मैं जानना चाहूँगी और साई के साथ, क्या मुश्किलें थी, कुछ डिफिकल्टीज थी दोस्ती करने में, या उनका पहले से आपके बारे में कोई प्रेजुडिस था दिमाग में कि ये कटारिया का दोस्त है तो इनसे बात? कटारिया का दोस्त भी का होगा, रणवीर जी के माइंड में मेरे लिए था कि ये इनकी फॉलोइंग है, ये तो ये विदाउट कुछ किए आ गए हैं यहाँ पे, ऑफकोर्स आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेहनत हमारे सामने, मतलब आपके सामने हमारी कुछ भी नहीं है, आई अग्री, बट आप हमारी मेहनत को वैसे डिनाई नहीं कर सकते, हमने भी बहुत छोटी उम्र से मेहनत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो उनको वो था कि कुछ भी करते, जैसे उन्होंने एक वर्ड भी बोला था कि चारों को कभी भी नॉमिनेट कर लो, कभी कितना भी नॉमिनेट कर लो, जाते ही नहीं घर से, जाते ही नहीं घर से। हाँ, तो मुझे आँखी दिखा, मैंने तो नज़र तो लग गई है। तो उनमें उनका प्रिजिडिस था, एक मैं उनको बोला भी था कि
आपके अंदर मेरे लिए हेट है, क्या आप ऐसे क्यों मेरे से बात करते हो, मैं आपसे रिस्पेक्ट में ही बात करता हूँ, ठीक है एक दो बार हमारे हुए हैं तू तू मैं मैं, मेरी और रणवीर सर की, बट वो तो फिर सबका होता है ना घर में, तो उनसे तो ये दिक्कत थोड़ी सी आ गई थी, बट मैं फिर भी अपना हर बार मैंने ट्राई किया कि उनसे रिस्पेक्टफुली बात करूँ, मैंने लास्ट में ट्राई भी कर रहा था उनसे थोड़ी अच्छी कर लूँ, क्योंकि कभी कभी उनको बहुत दया आती थी उन पर कि उनका खाना जब जाता था ये, वो हंसी भी आती थी बट दया भी आती थी। तो जहाँ तक रही बात अरमान की, तो अरमान तो इंसानी वाहियात था, तो उससे तो मुझे ना रखना था ना रखना है ना रखना चाहूँगा मैं कभी ज़िंदगी में, मुझे चीज़ें मालूम रहती तो मैं तो उससे घर में मुंह तक नहीं लगाता कि बाहर कैसा इंसान है, मेरे को कुछ नहीं मालूम था, मैं किसी के बारे में ऐसा स्टडी करके नहीं गया था कि इसके बारे में पढ़ता हूँ उसके बारे में पढ़ता हूँ इसके क्या कॉन्ट्रोवर्सीज रही है, कुछ नहीं। और जहाँ तक रही बात साई की, तो साई मेरे को ऐसा लगता था कि जेन्युइन है थोड़ा दिल से, बट जहाँ जो पूछ की बात होती थी मेरे को लगता था कि जो बोलता था वो खुद था, मतलब जो हाँ साइड किक, तो वो साइड साई केतन साइड केतन खुद थे वो, तो मुझे वो लगता था कि आप क्यों बोल रहे हो किसी की दोस्ती को फेक क्यों बोल रहे हो आप, और मेरे को लगता तो जेन्युइन है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो भटक गया। विशाल मम्मी पापा आए थे वीकेंड के वार पे, उस चीज़ ने क्या आपको कितनी हिम्मत दी, और अभी जब आप एविक्ट हुए उनका रिएक्शन क्या? जब आए तो भाई साहब इतनी हिम्मत मिली है मुझे, उफ ऐसा मोमेंट, मैं वापस भी मैं बोला अब मैं आया हूँ भाई वापस, वो एक हफ्ते मैं ज़ोन्ड आउट था, मैं बात भी कर रहा था हंस भी रहा था बट कुछ मेरे दिल से नहीं हो रहा था, सब कर रहा था मैं टास्क भी कर रहा था, बट उनके आने के बाद एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला मेरे को, और रिएक्शन तो ऐसा था कि क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज इविक्शन था, क्योंकि इविक्शन हो चुका था ऑलरेडी, तो हमको लगा वीकेंड का वार अभी ख़त्म होने वाला है तो अभी नहीं होगा, तो हम लोग अभी चेंज वेंज पे, तो वो अचानक हुआ तो मैं वहाँ से सब इंटरव्यू देके घर पर आया, तो वो लोग वही उसका लाइव चालू करके रखे थे वही सेम डे का, मैं सेम आउटफिट में आके फिर उन लोगों को सरप्राइज किया, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मेरी दादी आई वो सब। या वेल मैं ये जानना चाहूँगी, अगर एक चीज़ घर में जाके बदलनी हो आपको, है ना, मौका मिल जाए हाइपोथेटिकली, तो वो क्या चेंज करोगे? मैं अरमान की ज़ुबान चेंज करूँगा। या अरमान की ज़बान को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, अभी मुझे पता चला जब आप लोग ने पूछा कि वो जो बोल रहा था मेरे पापा के बारे में उसने बोला, इसका बाप फालतू बात करके गया, तो उसकी जो उन लोग मेरे अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे को किसी के अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि किसी के माँ बाप उनको गलत संस्कार नहीं दे सकते, लेकिन इससे मेरे को इसके एथिक्स समझ में आ रहे हैं, इसकी नीयत इसका नेचर समझ में आया कि ये बंदा कैसा है। और जहाँ तक रही बात है उसने बोला सना और विशाल को मैं काम पे रख सकता हूँ, इन जैसों को मैं, भाई तेरी औकात नहीं, तेरे को कोई काम पे नहीं रखेगा, अब तू निकल तो सही बाहर। वेरी लास्टली मैं सारे कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगी और आपको उनके बारे में जो दिल में फर्स्ट वर्ड आएगा वो बोलते जाना है, ठीक है? शुरुआत दोस्तों से करते हैं। कटारिया। मेरा भाई, दुख दर्द भी दिया तूने लेकिन तू मेरा भाई है। सना मकबूल। खास दोस्त। शिवानी। छोटी बहन। अरमान। खाला जान। कृतिका। थोड़ी सी डम। रणवीर जी। Sharp. Sai Ketan. Bro, you could have done much better. Shivani hogi. Nezi. Nezi Bamai. फुल मचाया, मैं बाहर आके देखा, मतलब सूम में घूम तो तुमने की हो पाए, बट गुड प्ले। और अभी थोड़ा सा अभी मैं चाहता हूँ कि वो टास्क में थोड़े फिनाले है, अब तो खत्म ही होना आ गया रहेगा टास्क वास्क, पता नहीं क्या सोचता है वो, ट्रिप लेता रहता है हर एक चीज़ की, वो कुकर में से जब हम लोग खाना ही बनाते थे तो हवा निकलता तो हवा दबाते हवा खत्म भी हो जाता तो वहीं दिखता रहता था, ट्रिप लेता था तो, बट उसके साथ मज़ा आती थी, तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड है उसके साथ। या Well, that is all that we had in store for you, Vishal. Thank you so much for talking to us. Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Yogesh Keni, India Forums, Mumbai.